अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं साहबजादा मोहम्मद ज़ुबैर साबरी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिलता रहे। दोस्तों, अहदनामा, दोस्तों जो आदमी इस पाक कलाम का रोज़ाना विर्द रखता है ना, यकीन करो कि वो आदमी दुनिया और आखरत में कहीं पर भी मार नहीं खाएगा और हमेशा दुनिया और आखरत में कब्र में भी उसके ऊपर अल्लाह पाक की रहमतें बरसती रहेंगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अहदनामा, इसके क्या फ़वाद होंगे कब्र में और आखरत में। आप इसके फ़वाद सुनेंगे और आप इसको पढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम रोज़ाना इसको पढ़ा करेंगे, और मैं आपको दावत भी देता हूँ कि आप इसको रोज़ाना पढ़ेंगे, इसके साथ बहुत सी बरकत है। दोस्तों, अहदनामा की अल्लाह ताला ने एक सूरत बताई है कि कब्र में पास रहेगी और जब कयामत को साहिब कब्र उठेगा तो ये फरिश्ता बन कर सामने आएगी और हुल्ला बहिश्त ला कर पहनाएगी और बुराक पर सवार करेगी। हक ताला फरमाएगा कि ऐ बंदाए मोमिन, तेरे साथ अहदनामा है जो तू खुश होकर दुनिया में हर रोज़ पढ़ा है। ठीक है, अल्लाह पाक फरमाएगा कि तेरे साथ अहदनामा है जो तूने खुश होकर दुनिया में इसको पढ़ा है। आज मैं इस अहद को वफा करता हूँ, ताज सर पर रख कर हुल्ला बहिश्ती पहन, बुराग पर सवार हो और बग़ैर हिसाब व अजाब के बहिश्त में जा, और जिसकी शफात करे इसे बख्शूंगा मैं। माशाल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ अहदनामा पढ़ने वाले, तो जिसकी भी शफात करेगा मैं उसको बख्श दूंगा। जब उस शख्स को इस तरह ताज व खलत पहने कयामत के दिन लोग देखेंगे कि उसका चेहरा चौदहवीं के रात की चांद की तरह होगा और मैदान मैशर में एक गल्ला मचा होगा कि ये कोई शायद पैगंबर या कोई सिद्दीक या कोई बुज़ुर्ग आ गया है कि ऐसी शान और बुज़ुर्गी से इसको लाया जा रहा है। और फरिश्ता निगहबान बहिश्त का कहेगा कि ये कोई पैगंबर नहीं है बल्कि एक खुदा और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का बंदा और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, दुनिया में अहदनामा अपने साथ रखता था और हर रोज़ इसका विर्द करता था। ये सारा फैज़ इसी का है और सारी अनवार बरकात इसी की हैं। तब खलकत तमाम ये अफसोस करेगी और कहेगी कि इतनी मुद्दत हम दुनिया में रहे हैं मगर अफसोस इस अहदनामे से गाफिल रहे हैं। दोस्तों, आज जिस तक भी ये मेरी वीडियो पहुंच रही है, दोस्तों वो आदमी बहुत किस्मत वाला है, और अगर इस अहदनामे का विर्द बना लेगा तो वो और ज़्यादा किस्मत वाला होगा, और इसकी बहुत बेशुमार बरकत हैं जो कि आपने सुन ली हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको इस्लामी वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।